नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ छोटा सा कलाकार। आज आप लोग बीच में बताने जा रहा हूँ कि मैं जूहू चौपाटी में घूमने के लिए गया था। लोगों ने बताया कि यहाँ पे बगल में अमिताभ बच्चन जी का बंगला है और उस बंगले पे मैं भी गया। वहाँ पे मैं लाइन खड़ा था वहाँ पर, और 4 बजे का अमिताभ बच्चन जी का आने का जब तैयारी हुआ था तो वहाँ की जो सिक्योरिटी था, मतलब कि हर पब्लिक को धक्का दे रहा था। और धक्का देने के बाद मैंने सिक्योरिटी भाई से कहा कि देखिए भाई, हम लोग अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए आए हैं और हम लोग देख के चले जाएंगे। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जी का हम लोग वेट किए और सिक्योरिटी मान नहीं रहा था और धक्का हम लोग को देते जा रहा था। हम लोग कितना सहन किए, लेकिन हमने भी अपना टैलेंट वहाँ पर दिखा दिया और हम भी अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में बात की है। अरे ठहरे 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 ठहरे, देखा भाई साहब, आपने जो ये धक्का मार रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अमिताभ बच्चन जी हैं आज के डेट में, वो समझिए कि ये भाई हमारी जो पब्लिक है उन्हीं की वजह से हैं। ये तो आज के डेट में कोई ना हीरो है ना कोई जीरो है। देखिए भाई साहब, आप लोग जो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जो टैलेंट जो निकाल रहा हूँ आप लोग के बीच में, अगर पसंद आई होगी तो भैया थोड़ा लाइक कमेंट कर देना। जी, किसकी आवाज़? अच्छा, गुलशन ग्लोवर जी की। तो आइए, आपको बीच में मैं गुलशन ग्लोवर जी की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। शाला, तो फोन लगाता हूँ गुलशन ग्लोवर जी के पास। सुबह सुबह किसने फोन किया? फोन करने से पहले हमारे सिक्योरिटी से इजाजत लेनी पड़ती है, तब हमसे बात किया करते हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी के बगल वाला बोल रहा है। देखिए भाई साहब, हमने तो गुलशन ग्लोवर जी को फोन लगा दिया और गुलशन ग्लोवर जी भड़क गए हमारे ऊपर। भाई, किसकी बात बोल रहे हैं? शाहरुख खान जी की। अच्छा, शाहरुख जी का फोन लगा था मैं। कौन है? हाँ, सुबह सुबह फोन करने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता है। हाँ, जानते हैं ये डॉन का है, घर है। हाँ, अरे डॉन से पहले परमिशन लिया जाता है, फिर उसके बाद कॉल किया जाता है। हाँ, देखिए भाई साहब, ये भी भड़क गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मिथुन दास जी को। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मिथुन दास जी का भी आवाज़ निकालता हूँ। कौन है भाई साहब, अपना परिचय तो बताइए। यहाँ पे तो लोग बहुत लोग कॉल करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं मुझे, लेकिन मुझे किसी का चेहरा याद नहीं है। और हमारे भाई साहब अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई साहब लो, आपको मिथुन चक्रवर्ती जी से बात हो गया। आपको किससे बात करना है क्या? अरे हमारे पुराने दोस्त। अच्छा, यानी कि धर्मिंदर मौसी वाला सुना है, सोले वाला। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं सुनाता चाहूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं धर्मिंदर जी को फोन लगाना चाहता हूँ। सुबह सुबह फोन किसने किया? कसम, ये चाहता है इसका फोन पी जाऊं। फोन चेक करो, किस कमीने का फोन है। उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जब मैं मीटिंग में रहता हूँ ये फोन मुझे बार बार आता है। तो भैया देख लीजिए, अपना मुझे मेरा दोस्त ही तोड़वा दिया। हाँ, और 60 साल से मेरे दोस्त ही चल रहे हैं। भैया आपने ऐसा गलत काम क्यों करवाया? भैया आए, धर्मिंदर जी तो मेरे बहुत बड़े खास दोस्त हैं। अब बताइए किसकी आवाज़ चाहिए भैया? आए, अच्छा दया भाभी जी की आवाज़। अच्छा, दया भाभी जी का मैं आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। जग्गू के पापा, तुमको तो मालूम है आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के ऊपर अब मेरे बच्चे को क्या ला के दूंगी? जग्गू के पापा, सभी सोसाइटी वाले आ रहे हैं। कैसा लगा भाई आप मेरी आवाज़? भाई तो देखिए, सिक्योरिटी भाई आप ज़्यादा मुझे तंग मत कीजिए। कौन सी आवाज़? अरे भाई साहब, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आए मैं, जी जी समझ गया समझ गया। और उनका नाम लेने से पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, जिसका नाम लेना चाहता हूँ, जिनका नाम है हमारे आदरणीय लता दीदी जी की आवाज़ में कुछ आप लोग बीच में निकालना जा रहा हूँ। तो लता दीदी जी कैसे बात करती हैं? नमस्कार, मैं
यही कहना चाहती हूँ कि मेरे न रहने के बाद संगीत को इसी तरह सजाए के रखना जैसे कि लोग घरों को ताजमहल को सजा के रखते हैं। मैं अगले जन्म में आऊँगी, मैं आपको सुनूँगी। तो भैया जी, आपने अमिताभ बच्चन के जितने भी रोल थे, जितने भी एक्टर लोग थे, आपने उनकी हमारी आवाज़ सुने, हर एक्टरों की आवाज़ में, तो आपको पता है कैसा लगा? अगर सिक्योरिटी भैया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हम पैदा हुए हैं तो मुट्ठी बांध के पैदा हुए हैं, हम मरते समय तो कुछ लेके जाएंगे नहीं। आए तो भैया यही निवेदन है कि हर इंसान की मांग पूरी कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप लोग को पसंद नहीं होगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। और मैं जाते जाते मैं आप लोगों के बीच में एक लता दीदी जी का गाया हुआ गाना, मैं आप लोगों के बीच में मैं कुछ गाना गाना चाहता हूँ और आप लोग बीच में सुना चाहता हूँ। गाने का नाम है दिल का आना हाय हाय। दिल का जाना अरे हाय, दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय, ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया, दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। अगर प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद।